बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सिक्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ द गिफ्ट ऑफ वलीदात, पेज नंबर 98। तो वलीदात के जो गिफ्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। दिस स्टोरी इज नथिंग बट अ प्ले। ये स्टोरी जो है वो एक प्ले है जिसकी कास्टिंग है। This is the list of casting. You see, here four narrators are there, means four people are there. They're telling us a story of Walidat. There is one merchant, two ministers, two fairies. Fairies कहते हैं fairies को. Walidat जो main character है हमारा, queen, king and three servants. So let's start the story. Here is narrator one. Narrator means जो कहानी बताने वाले होते हैं, इसमें से एक बंदा है जो हमें कहानी बता रहा है। Students, वलीदात की personality बहुत unique थी। कैसे थी कि वो एक बहुत ही simple सा आदमी था, और उसमें जो सबसे unique बात थी वो उसकी personality में ये थी कि इसको rich लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ठीक है। He was a poor grass cutter. Who refuses to accept wealth and riches, जिसको दौलत और रिच लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। So come to the first line of the story. Narrator one, in a mud hut far from town lived an old grass cutter named Walidat. Narrator one कहता है कि एक मट्टी के झोंपड़े में कस्बे से दूर एक old grass cutter रहता था जिसका नाम था Walidat. Narrator four, Every morning, हर सुबह वलीदात कट एंड बंडल टार वाइल्ड ग्रास के हर सुबह वो घास काटता। Every afternoon, हर दोपहर को ही sold it as fodder in the marketplace, और वो इसको बेच देता, बाजार में बेच देता था। Narrator टू, each day, हर रोज he earned 30 पैसा। वो डेली बेसिस पे ये बेच कर तकरीबन 30 पैसे कमाता था। 10 ऑफ स्मॉल कॉइन्स वेंट फॉर फूड, उसमें से जो 10 कॉइन्स थे वो अपनी फूड के लिए यूज़ करता था। 10 वेंट फॉर क्लॉथ्स एंड अदर नीड्स, जो बाकी 10 थे वो कपड़ों के लिए, जो बाकी उसकी ज़रूरियात थी उसके लिए वो यूज़ करता था। एंड 10 ही सेव्ड इन अ क्ले पॉट अंडर हिज बेड, और जो बाकी 10 बच जाते थे वो उसको एक मट्टी के बर्तन में उसको सेव कर लेता था, जो कि उसने अपने बेड के नीचे रखा हुआ था। नरेटर थी कहता है, इन दिस मैनर, इस तरीके से वलीदात लिव्ड हैप्पीली फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि वो इसी तरीके से पैसे जमा करता रहा और वो सारी जिंदगी जो है वो हैप्पीली उसने गुजारी, पीस और अमन से गुजारे। नरेटर वन, वन इवनिंग, एक शाम वलीदात ड्रैग्ड आउट द पॉट टू सी हाउ मच मनी इट हैड, उसने वो मिट्टी का जो बर्तन था उसको निकाला अपने बेड के नीचे से, ये देखने के लिए कि उसके पास कितनी मनी जमा हो चुकी है, कितने पैसे जमा हो चुके हैं। ही वॉज अमेज टू फाइंड डैट दिस कॉइन्स हैड फिल्ड इट टू द ब्रिम, और वो ये देख के हैरान हो गया कि जो कॉइन्स थे वो फुल बर्तन के एंड ऊपर तक भर चुके थे, ठीक है, वो बिल्कुल बर्तन के ऊपर तक आ गए थे। वली डार्क टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, व्हाट एम आई टू डू विद ऑल दिस मनी, कि मैं इन सब पैसों का क्या करूँगा। आई नीड नथिंग मोर देन आई हैव, कि जितने मेरे पास हैं उससे ज़्यादा की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। नरेटर फोर, वलीदात थॉट एंड थॉट, वो बहुत सोचा एट लास्ट ही हैड एन आइडिया, और आखिरकार उसको एक आइडिया मिल ही गया, उसको एक ख्याल आया। अब क्या उसको आइडिया आया है? हम देखते हैं। नरेटर टू, द नेक्स्ट डे वलीदात लोडेड द मनी इन टू अ सैक एंड कैरीड इट टू अ ज्यूलर इन द मार्केट प्लेस। अगले दिन उसने क्या किया कि वो जितने भी पैसे थे उसको एक सैक, एक थैले में डाला और उसको बाजार में एक ज्वेलर के पास ले गया।
ही एक्सचेंज ऑल हिज कॉइन्स फॉर अ लवली गोल्ड ब्रेसलेट, और जितने भी उसके पास सिक्के थे उसको उसने एक प्यारे से गोल्ड के ब्रेसलेट में एक्सचेंज करवा लिया। नरेटर थ्री, देन वलीद दैट विजिटेड द होम ऑफ अ ट्रेवलिंग मर्चेंट। अब जो वली दाद था वो एक ताजर के घर गया। वली डैड, टेल मी इन ऑल द वर्ल्ड हु इज द नोबलेस्ट लेडी। वो मर्चेंट्स को कहता है जाके कि मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे नोबलेस्ट लेडी कौन है। मर्चेंट जो ताजर है वो कहता है विदाउट डाउट कि इसमें कोई शक नहीं, इट इज़ द यंग क्वीन ऑफ कैस्तान, के कैस्तान की जो क्वीन मलका है वो सबसे नोबलेस्ट लेडी है। आई ऑफन विजिट हर प्लेस पैलेस जस्ट 3 days जर्नी टू द ईस्ट। मैं अक्सर जो है वो उसके पैलेस उसके महल में जाता रहता हूँ, और उसका जो पैलेस है वो तकरीबन 3 दिन के सफ़र पर मशरक़ की तरफ है। वलीदार, डू मी अ काइंडनेस, क्या मेरे पे एक मेहरबानी करोगे। वलीदार कहता है द नेक्स्ट टाइम यू पास डैट वे, कि जब भी अगली दफ़ा तुम उस रास्ते से गुजरो, गिव हर दिस लिटल ब्रेसलेट, तो मेरी तरफ से उसको ये ब्रेसलेट दे देना विद माई कम्प्लीमेंट्स, यानी कि मेरी तरफ से उसको ये ब्रेसलेट दे देना। नरेटर वन, द मर्चेंट वॉज एस्टोनिश्ड, जो ताजिर था वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। बट ही एग्रीड, लेकिन वो राजी हो गया टू डू करने को, वर्ड द रैग ग्रास कटर आस, जो कि उस पुअर ग्रास कटर ने उसको कहा था। नरेटर फोर, सून आफ्टर द मर्चेंट फाउंड हिमसेल्फ एट द पैलेस ऑफ द क्वीन ऑफ कैस्तान। इसके बाद जो ताजर था वो कैस्तान की मलका के महल में गया। ही प्रेजेंटेड द ब्रेसलेट टू हर एज अ गिफ्ट फ्रॉम वलीदात, उसने वलीदात ने जो ब्रेसलेट दिया था उसको एज अ गिफ्ट दिया मलका को। क्वीन एडमायरिंग द ब्रेसलेट, जब क्वीन ने ब्रेसलेट देखा तो वो बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ की। हाउ लवली, कितना प्यारा है। योर फ्रेंड मस्ट एक्सेप्ट अ गिफ्ट इन रिटर्न, तुम्हारा दोस्त जो है वो इसके बदले में उसको भी गिफ्ट जाना चाहिए। माई सर्वेंट्स विल लोड अ कैमल, मेरे सर्वेंट्स जो है वो एक ऊँट को लोड कर रहे हैं विद द फाइनेस्ट सिल्क, एक बहुत फाइनेस्ट सिल्क से। नरेटर टू, When the merchant arrived back home, जब merchant वापस आया घर वापस आया, he brought the silks to the hut of the वलीदात, तो वो silks जो है वलीदात के झोपड़े की तरफ ले गया। वलीदात, oh no, this is worse than before, oh नहीं ये तो पहले से भी ज़्यादा बुरा हुआ। What am I to do with such finery, मैं इसके जो गिफ्ट भेजा है इसके साथ मैं क्या करूँगा, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मर्चेंट, परहैप्स यू कुड गिव इट टू सम एल्स, ताजर उसको कहते हैं कि शायद तुम ये किसी और को दे सको। नरेटर थी, वलीदार थॉट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा। वलीदार ने भी कहा टेल मी, मुझे बताओ, इन ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हु इज द नोबलेस्ट मैन, कि पूरी दुनिया में सबसे नोबलेस्ट मैन कौन है। मर्चेंट, ताजिर ने उसको बताया डैट इज़ सिंपल, ये तो बहुत आसान सी बात है, इट इज़ द यंग किंग ऑफ नेकाबाद, कि नेकाबाद का यंग किंग है जो कि सबसे नोबलेस्ट मैन है। हिज पैलेस, उसका महल, टू आई ऑफन विजिट जस्ट 3 days जर्नी टू द वेस्ट, उसके पैलेस में उसके महल में भी अक्सर मैं जाता रहता हूँ, जो कि तकरीबन 3 दिन के सफ़र पर वेस्ट की तरफ है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और रिटर्न वर्क में मैं इसको एक क्वेश्चन आंसर वर्ड्स मीनिंग वर्ड्स एंड टेंसेस आपको रिटर्न लेक्चर में दूंगी, तो वो नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक पर। तब तक अल्लाह हाफिज़।